हेलो स्वेंस, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 68B EVS की वर्कशीट है। क्लास फिफ्थ की डेट है आपकी 13 सितंबर। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आगे चलते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यातायात के साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज हम ऐसी ही एक यातायात साधन जैसे मेट्रो के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 24 दिसंबर 2002। दिल्ली मेट्रो में ना सिर्फ हमारी यात्रा सुखद हुई है, बल्कि दिल्ली मेट्रो के अनेकों लाभ भी हैं, जैसे वायु प्रदूषण की कमी, यात्रियों के समय की बचत और ईंधन की बचत आदि। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइए दिल्ली मेट्रो के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए चित्रों को पहचानने की कोशिश करते हैं। चित्र में दर्शाए गए सभी चीज़ों मेट्रो की यात्रा करते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर इनके नाम कॉपी में लिखिए, ठीक है बच्चों। कुछ चित्र दिए गए हैं, देखिए ये चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को पहचान कर इनके नाम कॉपी में लिखना है, और नीचे आपको संकेत बॉक्स भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम अपना एक एक नाम लिखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट है आपका ये डोर, तो इसको कहते हैं हम AFC गेट। क्या आप बोलते हैं बच्चों? AFC गेट। तो यहाँ पे आप लिख दोगे AFC गेट, हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिखोगे और हिंदी में गेट ऐसे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है टोकन। ये क्या है बच्चों? टोकन है ये। तो देखिए मेट्रो, ये देखिए ये रहा टोकन, ये लिखा है टोकन, तो यहाँ पे आप लिख देंगे टोकन, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेट्रो कार्ड, तो मेट्रो कार्ड ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे, मेट्रो कार्ड ये रहा। और फिर ये हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ये हो गया, मैं नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आपका टोकन हो गया, थर्ड आपका मेट्रो कार्ड हो गया, फोर्थ आपका जो है सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ आपका टोकन मशीन है। मतलब ये जो है ना, ये बच्चों क्या है? टोकन मशीन है, टोकन मशीन, ठीक है। और ये फिफ्थ है आपका बैग स्कैनर, बैगेज स्कैनर, ठीक है। जैसे कि हम मेट्रो में जाते हैं तो अपना बैग चेक करवाते हैं ना, तो ये देखिए इस तरीके का ही कंप्यूटर लगा होता है, उसमें हम बैग डालते हैं और वो बाहर से इधर साइड से निकलता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ये स्वचालित सीढ़ियाँ, इसे बोलते हैं एक्सेलरेटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिक्स्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये क्या है बच्चों? AFC गेट, टोकन, मेट्रो कार्ड, और ये आपका टोकन मशीन, ये है आपका बैगेज स्कैनर, और ये है एक्सेलरेटर, स्वचालित सीढ़ियाँ। तो चलिए आगे चलते हैं। मेट्रो यात्रा से जुड़े रिक्त स्थान नीचे दिए गए हैं, संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो आगे चलते हैं। मेट्रो की गति की दिशा में पहला डिब्बा किसके लिए आरक्षित होता है बच्चों? महिलाओं के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए। आगे चलते हैं। महिला कोच में पुरुष यात्रियों के सफ़र करने पर कितने का जुर्माना है? 250 रुपये का जुर्माना है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, पहले नंबर पे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 250 रुपये, ठीक है। मेट्रो में यात्रा करने के लिए टोकन प्राप्त करने हेतु टोकन मशीन का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये जाएगा थर्ड नंबर पे। मेट्रो में महिलाओं डैश के लिए आरक्षित सीटों पर ना बैठें। महिलाओं, वृद्धों व विकलांगों, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, ज़रूरतमंदों को डैश करें, ज़रूरतमंदों को सीट प्रदान करें, मतलब हो जाएगा फिफ्थ। फिर जाएगा कृपया दरवाज़ों से दूर हटकर खड़े हों, दरवाज़ों से हटकर खड़े हों, तो मतलब ये हो जाएगा बच्चों आपका सिक्स्थ, ठीक है। मेट्रो में चढ़ते समय दरवाज़ों व प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें, तो ये हो जाएगा दूरी, यहाँ पे आ जाएगा सेवन्थ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेट्रो में खाना पीना
संगीत सुनना व फर्श पर बैठकर यात्रा करना वर्जित है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों आप, वर्जित। ठीक है, आगे मेट्रो में यात्रा करते समय कोविड-19 संबंधित नियमों का पालन जैसे कि सामाजिक दूरी व मास्क पहनना। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पे आप लिखोगे सामाजिक दूरी और मास्क पहनना लिखोगे आप यहाँ पे। तो ये कंप्लीट हो गए बच्चों वर्कशीट आपकी। अब देख लेते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन और दिया गया है, DMRC का पूरा नाम पता करो और दिल्ली के सभी मेट्रो लाइन के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो DMRC का पूरा है बच्चों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये आपका दिल्ली मेट्रो DMRC का फुल फॉर्म है। ठीक है, कॉर्पोरेशन की जगह कार्ड भी हो सकता है, कार्ड भी लिख सकते हैं आप, वैसे बेसिकली कार्ड होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये जो हो गया ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये DMRC की फुल फॉर्म हो जाएगी, किसकी, DMRC की। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कौन कौन सी लाइन चलती है यहाँ पे। तो इस लाइन का देख लेते हैं, रेड लाइन है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, वॉयलेट लाइन है, ऑरेंज लाइन है, पिंक लाइन है, मैजेंटा लाइन है और आपकी ग्रे लाइन है। ठीक है, तो इतनी लाइन्स की जो है आपके दिल्ली में मेट्रो चलती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके घर के नज़दीक मेट्रो स्टेशन का नाम पता करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपके घर के सबसे पास जो भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा उसका नाम पता करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो मेरे घर के नियरेस्ट जो है वो है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, जो कि आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। ठीक है बच्चों, तो आप अपने घर के आसपास का देख लेंगे। अब देख लेते हैं कि अभिभावकों के लिए किस सुझाव दिया गया है, बच्चों के साथ दिल्ली मेट्रो के महत्व पर चर्चा करें। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।